promises still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ऑन टू आईटी पर। तो फ्रेंड्स, आज के मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इंडिया के ढेर सारे डिवाइस में अपडेट वगैरह देखने को मिला है, और इसी के साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूं MIUI 14 और Android 13। तो गैस, इंडिया के दो ऐसे डिवाइस है जिसमें MIUI 14 और Android 13 का जो अपडेट है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इन डिवाइसेस के लिए जो अपडेट है MIUI 14, Android 13, इसका यहाँ पर बिल्ड नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है, जो कि इंटरनल बिल्ड नंबर है। लेकिन बात करते हैं कि ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, कौन कौन से डिवाइस है जिसमें MIUI 14 और Android 13 का अपडेट इंडिया में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो गाइस, सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आपको अपने वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना ताकि आप एक भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल आइकन है इसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं यहाँ भी हर एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेक हंट वाइटी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट कर देना ज्वाइन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप यूज़ करते हो इंडिया में Redmi Note 11 Pro 4G, तो यहाँ पर Redmi Note 11 Pro 4G के लिए जो नया अभी अपडेट देखने को मिला इंडिया में, इसका बिल्ड नंबर देखने को मिलता है MIUI 13.0.6.0 SGDINXM। और यहाँ पर ये वाला जो अपडेट है, अपडेट का साइज आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 47 MB का। और इस अपडेट को करने के बाद आपको अपने डिवाइस में देखने को मिलेगा जनवरी 2023 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। जनवरी का मतलब कि आपको एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है इस डिवाइस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं कि इस अपडेट को अभी सिर्फ और सिर्फ मी पायलट रिलीज किया गया है, सभी यूज़र को अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये वाला जो अपडेट है, इसे पब्लिक रोल आउट होने में कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे, उसके बाद ये वाला अपडेट पब्लिकली रोल आउट हो जाएगा। और पब्लिकली रोल आउट होता है तो इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम में भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं, हमारा जो अगला डिवाइस है वो आपको देखने को मिलता है Redmi Note 10T 5G एंड Poco M3 5G। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है Redmi Note 10T 5G एंड Poco M3 Pro 5G, ये दोनों डिवाइस में जो नया भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिला है, जिसका बिल्ड नंबर हमें देखने को मिलता है MIUI 13.0.6.0, और इसमें हमें मिलता है दिसंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। अपडेट के साइज की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 105 MB का अपडेट का साइज। और ये वाला जो अपडेट है वैसे कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था मी पायलट रिलीज, लेकिन फाइनली अब ये अपडेट पब्लिकली रोल आउट हो चुका है, तो सभी यूज़र को अपने डिवाइस में ये वाला अपडेट देखने को मिल रहा है। तो आप भी अपना अपडेट को चेक करते रहो, आपको भी अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं गाइस, हमारा जो अगला डिवाइस है Xiaomi Mi 11 Lite। तो Xiaomi Mi 11 Lite अगर आप यूज़ करते हो इंडिया में, तो इसमें भी नया सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिला था, जो कि था दिसंबर का। और यहाँ पर इसका बिल्ड नंबर देखने को मिलता है MIUI 13.0.8.0, और इस अपडेट का साइज आपको देखने को मिला था 237 MB का। और ये वाला भी अपडेट अभी फाइनली पब्लिकली रोल आउट हो चुका है, जबकि ये पहले मी पायलट रिलीज था। तो यहाँ पर इतने सारे डिवाइस में पब्लिकली रोल आउट हो चुका है न्यू अपडेट, न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट। तो यहाँ पर बात करते हैं MIUI 14 और Android 13। तो Xiaomi के कौन से पॉपुलर डिवाइस है जिसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा MIUI 14 और Android 13 का अपडेट इंडिया में? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है Xiaomi एक वेबसाइट है, तो ये क्रेडिट इनको जाता है इन्फॉर्मेशन का। तो बात करते हैं यहाँ पर ये अपडेट की, तो अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा सबसे पहले Xiaomi 12 Pro एंड Poco F4। ये दोनों ऐसे फर्स्ट डिवाइस है, फर्स्ट मॉडल है जिसमें MIUI 14 का जो अपडेट है वो इंडिया में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इन दोनों डिवाइस का इंटरनल बिल्ड। तो यहाँ पर आपको मिलता है MIUI 14.0.1.0 TLBINXM, और आपको मिलता है MIUI 14.0.1.0 TLMINXM। तो यहाँ पर ये दो तरह के आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलते हैं, जो कि देखने को मिलता है एक Xiaomi 12 Pro और एक मिलता है आपको Poco F4 के लिए। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर वगैरह भी देखने को मिलता है कि डिवाइस का नाम यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पर मिलता है कोड बेस 13, मतलब कि आपको Android 13 देखने को मिलेगा। दोनों डिवाइस के इंटरनल बिल्ड नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि ये वाला अपडेट में अगर कोई भी तरह का बग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो स्टार्टिंग के फरवरी तक अपडेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा इंडिया में। लेकिन अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलता है, कोई बग वगैरह देखने को मिलता है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि यह वाला अपडेट को इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर MIUI 14 और Android 13 का जो अपडेट है वो Xiaomi 12 Pro एंड Poco F4 में सबसे पहले देखने को मिलेगा इंडिया में।
तो अब देखते ये है कि ये वाला अपडेट कब तक रिलीज़ किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो वो तो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो गैस MIUI 14 और एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है, इस अपडेट का एलिजिबल डिवाइस लिस्ट मैंने शेयर किया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, उसमें आप अपने डिवाइस का नाम को भी चेक कर सकते हो। तो गैस उम्मीद करता कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल आइकन है इसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए गैस मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।